हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं गाइस? और मैं अपने मायके आई हुई हूँ, तो अभी मैं किचन में हूँ और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, तो मैं बना रही हूँ अभी खाना। तो खाना आज मम्मी ने कनागत खिला रही हैं, तो मम्मी ने आज मतलब मेहमानों को, जैसे बुआ हुआ को बुला रखा है, तो बस यहाँ पर खाना बन रहा है, तो खाना बनेगा थोड़ा सा ज़्यादा। और यहाँ पर मैंने सोचा चलो मैं बनवा लेती हूँ फटाफट, जल्दी हो जाएगा। तो सारा यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ, आलू वगैरह छील ले लेती हूँ, और इधर मैंने कुकर में छोले भी उबलने रख दिए साइड में, तो फटाफट तैयारी करवा लेती हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, काम निपट जाए। सब्जियों में देखिए मैंने बनाया है छोले, और ये छोले आलू हैं, और ये थोड़े से आप लोग को सब्ज़ियाँ पतली लगेंगी क्योंकि मैंने थोड़ा सा पतली पतली बनाई हैं, क्योंकि ये गाढ़ी हो जाती है रखने के बाद बहुत। और यहाँ पे बरी आलू बनाया है, तो ये दोनों सब्जी बिना लहसुन प्याज के बनी है, क्योंकि दिन भी ऐसा पड़ गया था मंगल, और मंगल नहीं पड़ता तो शायद नहीं लहसुन प्याज पड़ जाता। अभी देखिए यहाँ पे खीर भी बन रही है, खीर में मुझे डालना है मेवा, तो मेवा काट लेती हूँ फटाफट। और इधर साथ के साथ मैंने दूध भी औटने रख दिया है, क्योंकि बाबू को दूध सुबह सुबह मांगता है, तो यहाँ पर बाबू के लिए दूध औटा ले रही, ठंडा हो जाएगा। और ये देखिए छोटी छोटी पूड़ियाँ बना ले रही, 16 पूड़ी हैं जो कि ननिहाल ने बना कर रखी हैं पूजा के लिए, पहले बेल ली थी सारी और अभी निकाल लेती हूँ फटाफट, क्योंकि फिर मम्मी पूजा कर लेंगी जब, फिर हम लोग सब लोग को मतलब खाना वगैरह लगा देंगे। और यहाँ पे बात भी कर रही थी बुआ थोड़ा सा हम लोग से, और वीडियो डालने का तो मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, बस डाल दे रही हूँ। बीच में वैसे भी गैप कर दो ना 2-4 दिन, तो इच्छा ही नहीं होती डालने की। आज मंगल का है ब्लॉग, तो देखो आज जाता है या कल जाता है पता नहीं। यहाँ पर देखिए एडिटिंग कर ले रही हूँ, मैंने कहा एडिटिंग कर लेती हूँ फिर पोस्ट कर दूँगी जब इच्छा होगी। यहाँ पर देखिए बुआ है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर कैमरा रख रखा था, बुआ देख रही थी, बुआ तो नहीं चली गई, बुआ समझी पता नहीं क्या चल रहा है। और यहाँ पर बस पूजा की पूड़ी बना के रख दे रही हूँ, और बात भी करती जा रही थी मम्मी बुआ से, और पूजा हो जाएगी तो आप लोग से थोड़ी देर में मिलते हैं। पूजा के बाद मतलब फिर दिखाते हैं क्या क्या लेके जा रहे हैं मम्मी पूजा के लिए। क्योंकि राम जी ने अपने पिताजी की करी थी, हम लॉकडाउन है नहीं जा पाए हैं, या कोई बात कोरोना में सब कुछ नहीं, रोज नहा धो फोक्स ले लो, फोक्स ले लो या ऐसे रख कर, हाँ ऊपर से ऐसे करके गिलास वैसे उसमें गिलास है कौन से मजा कह रहा पंडित को कराओ करा दो तुम, तो पंडित को इतना परेशान कि उनके आगे झूठन रह जाए, पोच के ना खाए का तुम, अब जो झूठन रह जाए वो कौन को रह दे, तब वो ऊपर तक सरल लव तक पहुँचाएगा वो खाना जो कौआ खा लेंगे। लेकिन जो आजकल के बच्चे पढ़ रहे हैं उतना तो स्वाद को नहीं मानते हैं कि वहाँ कैसे पहुँच जाएगा। जैसे हम हमारे बच्चे विदेश में रह रहे हैं, वो पूरी सब शिवानी वो दिव्या अलग रखती है अच्छे एक हम में, हम विदेश बच्चे हैं कोई है, माँ बाप को पैसा पहुँचाना है तो बैंक द्वारा पहुँचाते हैं उनके पास, तो ऐसे उनने भगवान ने भी बनाए रखे हैं, तो कौआ है गाय को रोज दो उसे सहलाओ और कुत्ते को दो रोटी, गाय को तो कायदे में देना चाहिए रोटी डेली, एक रोटी पहली रोटी गाय के लिए बनाना चाहिए। मैं तो पहली रोटी गाय के लिए निकाल देती हूँ, चप्पल पहन के किचन में घुसना नहीं चाहिए। हाँ तो किचन पता है लोग कहते हैं कि हमारी किचन की चप्पल अलग है, लैट्रिन की चप्पल अलग है, चप्पल तो चप्पल होती है, लोग खाना परोसना है चप्पल पहनते हैं नहीं पहनना कोई यहाँ पे थाली लगा दी मम्मी ने, मम्मी जा रही छत पे पूजा करने के लिए,
और पूजा का मैंने नहीं सूट किया क्योंकि मैं नहीं गई थी छत पे, शिवानी ने किया है, शिवानी की वीडियो में मिलेगा। और पूजा करने के बाद देखिए सब लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं, तो खाने में तो बता ही दिया क्या क्या बना है, तो देख लीजिए। और मैं भी खाने बैठ गई थी, और यहाँ पे देखिए शिवानी ने सूट कर लिया। मैं रो रही थी सुबह के टाइम पर क्योंकि यहाँ बिल्ली की बातें चल रही, तो मैं बस यही सोच कर रो रही कि बिल्ली मुझसे क्यों, बिल्ली मर रही है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी, मैं बनाने नहीं दे रही, तो ये बस इतना सा आप लोग के साथ शेयर करा। इसने बनाया तो बहुत सारा था, और मैं आगे मम्मी की आवाज़ सुनना, मम्मी मना रही थी मुझे निकले लंबे लंबे। अरे और याद कर, मान जाओ ना, चाय क्यों नहीं पी रही, ठंडी हो रही है। और कोई और याद कर, कर देंगे ना, ये लग रही हो। तूने क्या कहते सपना देखा ना, इसलिए तेरे आंसू निकल रहे। तू सपने में रो रही थी, दुआ की करने भी रो रही है। उठ जा। मैं मम्मी के अपने घर आई हुई हूँ, और यहीं पे पास में दीदी का भी घर है। तो मम्मी ने कल कनागत खिलाया था, तो मैंने ही सारी तैयारी करी, और सुबह तक सब मतलब ठीक था, सब कुछ तैयारी वगैरह की, मैंने खाना बनाया, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। और शाम के टाइम ही कुछ ऐसा हुआ जिससे सब लोग मतलब एक ये नहीं कि सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन खुशियां सारी बहुत ही कैसे बताऊं मैं, क्योंकि मेरे हाथों से जो हुआ है, मतलब आप लोगों ने दीदी की वीडियो में, शिवानी की वीडियो में बिल्ली तो देखी होगी, एक कैटी नाम है जिसका, मेरे हाथ से वो मतलब उसका जो हुआ उसका मतलब दब गई वो। और इससे पहले बचपन में भी मेरे हाथ से एक बिल्ली, दो बच्चे थे जैसे हमने पाल रखे थे, तो वो दब गए थे, मतलब एक दब गया था, मैं मोरपंखी खेल रही थी। ये वीडियो मैं दूसरे दिन शूट कर रही हूँ, तो बचपन में ही मेरे हाथों से ही बिल्ली मतलब मरी थी, और अभी भी मेरे हाथों से बिल्ली मरी थी। मतलब बचपन में जब मैं छोटी थी तो मैं मोर पंखी खेल रही थी, तभी मैं मतलब भाग रही आंगन में ही, हमारा बहुत बड़ा आंगन था, बहुत सारी जगह थी, तो बस वहीं पे ही हम लोग खेलते थे, तो बस मोर पंखी खेल रहे थे, और मैं मतलब कूद रही थी, एकदम से बिल्ली सामने आ गई। तब भी मेरे से मतलब जानबूझ के मैंने कुछ नहीं किया था, अनजाने में मेरे से बिल्ली मरी, और इस बार भी जानबूझ के मैंने कुछ भी नहीं किया, अनजाने में मेरे से बिल्ली मरी। लेकिन बस वही है कि मुझसे कोई कुछ कह नहीं रहा, लेकिन हाँ मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरे कारण बिल्ली मर गई, और बचपन में ही बिल्ली मरी, क्यों मेरे हाथों क्यों बिल्ली मरती है, क्यों ऐसा होता है। और मैं तो इतना मुझे लगाव नहीं था बिल्ली से, कैटी से मतलब, लेकिन हाँ दीदी को, शिवानी को, मम्मी को बहुत लगाव था, क्योंकि मेरी मम्मी लेके आई थी बिल्ली मतलब कैटी को, उसका नाम कैटी रखा था, और बहुत लाड़ प्यार करते थे सब लोग, बच्चे की तरह पालते थे उसको, और दूध वगैरह वो मम्मी आती थी तुरंत, मम्मी से म्याऊं म्याऊं करके मम्मी के पीछे पीछे घूमती रहती कि दूध पिलाओ, गोदी लो, तो बस मतलब घर में सब लोग इतना लाड़ प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे, एक बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की तरह केयर करते थे उसकी। लेकिन वो बस शाम का भी कुछ ऐसे ही था कि दिन भर अच्छा खासा चला, शाम को 7, 7:30, 8 बज रहा होगा शायद, नहीं शायद इससे भी ज़्यादा टाइम हो रहा था, 9, 9:30 बज रहा था, तो उस समय दूध पिलाया था, दूध पिला के हम लोग यहीं पे बैठे थे, और मैं मतलब बैठे थे हम लोग यहाँ पे, और बिल्ली भी नीचे खेल रही थी, दीदी का बड़ा वाला लल्ला है वो थोड़ा सा परेशान कर रहा था मुझे, तो बस मैं उसको चिल्लाने के लिए उठी थी, तो वो बाहर गया, मैं उसको चिल्लाया तो वो बाहर चला गया, तो मैंने कहा लाओ गेट बंद कर लूँ, फिर जी आएगा फिर परेशान करेगा, तो मैं गेट बंद करने लगी थी बस, और तभी इतने में ही मतलब बिल्ली पता नहीं कैसे अंदर से बाहर भागती हुई आई, और एकदम गेट के आ गया, मैंने बहुत जल्दी में गेट बंद करा, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा, और बस वो गेट से आके उसका जो गर्दन है यहाँ से पूरी ऐसे गेट से दब गई, मैंने नहीं ध्यान दे पाई, और दीदी ने रोक भी लिया था एकदम गेट को, लेकिन फिर भी मतलब पता नहीं उसकी गर्दन टूट गई क्या हुआ, और मेरे हाथों से उसकी मौत हुई है, मैंने मार दिया उसको। मुझे सच में मुझे इस बात को बहुत दुख लगता है कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ, अच्छा खासा बहुत अच्छा चल रहा, दिन भर अच्छा चला, मैंने खाना पीना बनाया सब कुछ,
शाम को ऐसा हुआ और राम 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 बोलो राम 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 राम